और इस बीच उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच दिवाली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है, हमें एकजुट और सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, अराजकता पैदा करने की कोशिश हो रही है और लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है, याद करना ये बांटने वाले तत्व इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिरी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंडे इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले।